हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हो? दिवाली की सफाइयाँ सभी की आई थिंक बहुत जोर शोर से चल रही होंगी। ना तो हम लोग रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, बस टाइम ऐसा होना चाहिए कि हम हो अकेले और हमारा घर हो और कोई ना हो, यानी कि बच्चे भी नहीं हो और हमारे साहब लोग भी ना हो, ताकि आराम से साफ सफाई हो सके और बिल्कुल भी बीच में कोई इंटरप्ट करने वाला ना हो। ऐसी सफाई करने का तो आनंद ही अलग आता है। एनीवेज, तो अभी ना टाइम हो गया है रात का 10:30। जैसे अभी आज सातक चला गया है लखनऊ, गौरी सो गई है आज टाइमली, क्योंकि आज गौरी दोपहर में सोई नहीं थी तो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी तो सो गई है। शाम अभी मैच देख रहे हैं तो वो उसमें बिजी है। विधान अपना दूसरे कामों में लगा हुआ है और मैं सोच रही थी कि अभी मंदिर को साफ करने का राइट टाइम है, यानी कि मेन मंदिर जो नहीं पता, अपने जो ड्रॉज वगैरह है मंदिर के उनको प्रॉपरली क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। तो सारी चीजें हम लोग अरेंज करते हैं, तो पूजा का जो कंपार्टमेंट वगैरह है, पूजा की जो चीजें हैं उनको भी कर देते हैं प्रॉपरली अरेंज। तो अभी हम सोच रहे हैं कि शाम गए थे श्याम बाबा के मंदिर, तो वहां से काफी अच्छी अच्छी भगवान की ड्रेसें लेके आए थे, गणेश जी की पोशाक लेके आए थे, मुकुट लेके आए थे और माला लेके आए थे। तो वही अब मैं क्या कर रही हूँ कि आपको प्यारे से वाइब्रेंट कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इनमें सबको क्या करूंगी, अरेंज करूंगी। पता है क्या हुआ एक चीज और, ये कि मैंने ना पूरी वॉइस रिकॉर्ड करी थी, पर वो जो वॉइस रिकॉर्ड है ना वो पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब से मैंने आईफोन यूज किया ना, तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ जो वीडियो है वो तो प्रॉपर हो गई है, पर जो वॉइस क्वालिटी है ना वो कुछ अभी सेटिंग बैड नहीं हुई है। मतलब मैं जो भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो पीछे से काफी ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसिंग वाली नॉइस आती है ना, वो चल रही होती है। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, कोशिश करते रहते हैं तो हो जाएगा, उम्मीद है। मैं पूछूंगी विधान से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वही मुझे बताएगा क्या करूँ, वही मेरा प्रॉब्लम सॉल्वर है इन सब चीजों में। तो अभी क्या है, ये लोग, ये जो आप कलरफुल बॉक्सेस देख रहे हो ना रेड कलर के, जिसमें बंदेश का डिजाइन है, तो मैं ये लेके आई थी नेशनल हैंडलूम से जस्ट ₹100। और ये 4 बॉक्सेस है, बहुत ही प्यारे बॉक्सेस है, बहुत ही प्यारा कलर भी है। तो मैं सोच रही थी कि एक ही कलर के हैं तो अच्छी सी थीम हो जाएगी, भगवान की ड्रेसेस वगैरह, भगवान के जो मुकुट है शाम लेके आए हैं, माला है जो लेके आए हैं, भगवान का सिंहासन गणेश जी का, तो सारी चीजें प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सॉर्टिंग करते हैं सारी चीजों की और उसको एक एक बॉक्स में रखते जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, हम इसको अभी कर लेंगे टाइम से, तो पूजा के टाइम पे ना डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो नई ड्रेसेस और जो अपने पहले की ड्रेसेस है उसमें भी सॉर्टिंग करूंगी, जो ड्रेसेस अच्छी नहीं होंगी यानी कि थोड़ी बहुत खराब हो गई होंगी तो उसको मैं हटा दूंगी, ताकि वो उसको हटा दिया जाए। अब यहाँ पे ना इस तरीके का एक कंपार्टमेंट बॉक्स लेके आई थी, क्योंकि ये जो मंदिर है ना ये थोड़ा छोटा है, हमारा जो पहले वाला मंदिर था वो बहुत बड़ा था, उसमें काफी सारा सामान आ जाता था। तो आप लोगों ने देखा ही था जब हम फ्लैट में थे, अपने खुद के फ्लैट में, तो वहां का जो मंदिर था ना वो सेपरेट था, तो वहां पे हर चीज मतलब काफी स्पेस था तो तरीके से रखी हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा जो स्पेस है ना वो लिमिट हो गया है, तो उस हिसाब से चीजों को थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं एक कंपार्टमेंट बॉक्स लेके आई थी कि जिसके अंदर छोटा छोटा सामान है जो ये इस ड्रॉअर में फैला रहता है, वो एक जगह रखा रहेगा ताकि फैले नहीं। तो बुक्स वगैरह सारी अरेंज कर रख देती हूँ। वैसे तो जो बुक्स है ना उन पर भी मैंने कवर चढ़ा रखा है, बट यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसी थी जो बाकी थी तो उनमें कवर नहीं चढ़ाया, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कवर चढ़ा दें। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पूरा क्लीनिंग कर लेते हैं। तो जो चीजें इस कंपार्टमेंट में रखने वाली थी इस बॉक्स में, इसको हम भर देते हैं। बाकी ये जो कंपार्टमेंट बॉक्स है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको किचन में, ड्रेसिंग में, आपके वार्डरोब में, आपके स्टेशनरी आइटम्स में बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, और ये बहुत ही स्पेस सेविंग भी होता है, मेरे को तो बेहद पसंद है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ही सिक्के वगैरह पड़े हुए थे भगवान के, जो हम लोग कभी कभी रख देते हैं, तो उनको मैं एक जगह रखूंगी। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज्यादा मेसी हो रहा था, हम इसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो पेपर है वो भी चेंज करते हैं। तो पहले मैं इसको प्रॉपरली क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, जो चीजें नहीं चाहिए होती है उनको हटा देंगे और जो चीजें चाहिए होंगी उनको एक जगह रख देंगे। फिलहाल ये जो है थोड़ा सा बड़ा ड्राई कपड़े से हम क्या करते हैं इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद तो वेट क्लोथ से क्लीन कर लेंगे और हल्का सा फिनाइल डाल दूंगी ताकि अंदर खुशबू सी रहे। तो कोई भी फ्रेग्रेंस वाला फिनाइल डाल सकते हो। और ये जो कवर आप देख रहे हो ये अपना इजीली अवेलेबल हो जाएगा
स्टेशनरी शॉप पे, ये मैंने जो अपनी कॉपीज में नोटबुक्स में कवर चढ़ाते हैं वो वाला कवर ले लिया था। इसके ऊपर हल्का सा प्लास्टिक कोटेड भी होता है, तो वो मैंने क्या कर दिया था, दोनों ड्रॉज में ऊपर नीचे दोनों में लगा दिया था। तो अब आप ये देख रहे हो किस तरीके से मैंने चीजों को अरेंज कर दिया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को समझ में, मेरी मैंने ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड कर रखा था, बट दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा ड्यू टू सम रीजन, आपको बता ही दिया कि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। तब यहाँ पे आप देख लो कितने अच्छे से अरेंज हुई है सारी चीजें, कम चीजें मतलब ज्यादा चीजें भी कम तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो नीचे वाला ड्रॉर है अपना मंदिर का, जो नीचे वाला ड्रॉर है वो भी हम उसको सही करते हैं। बाकी ऊपर मेरे को जो फ्रीक्वेंटली चीजें चाहिए होती है ना शाम को, वो सारी चीजें ऊपर वाले ड्रॉर में रखती है। तो ये नीचे वाला जो ड्रॉर है इस तरीके से इतना मेस हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मुझे थोड़ा सा इसको क्लीन करना है। तो सारी चीजें पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपरली निकाल के बाहर रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज को देखते हैं किस चीज की जरूरत है किस चीज की नहीं है। तो बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ड्रॉर को भी क्लीन करते हैं और इस पे भी सेम वही प्रोसेस, वो जो कवर था मैंने आपको दिखाया था उसी को लगा दिया था, टेप कर दिया था ताकि जो कवर है इधर उधर ना हो। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो बस यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम घर में कोई भी काम करते हैं, अगर उसको एक थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ता है, अगर बस एक बार हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया तो हमें आदत भी हो जाती है ऐसी चीजों को देखने की, और आप अब नेक्स्ट टाइम जब भी करते हो तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होता है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है जब भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, 15 से 10 दिन के अंदर अपनी चीजों को दोबारा से एक बार क्या करो, सेट कर दिया करो। अब ये वाली जो शेल्फ है ना हमारी स्टेयर्स के पास है, तो ये बहुत काम की है। इसमें मैंने लाइट्स है, दीपक है और अपना पूजा का सामान जो है काफी सारा रहता है, क्योंकि पूजा का सामान, तो वो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। तो बस मिलते हैं आप लोगों से।